नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस पे। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर मैगजीन, जो कि अक्टूबर 2023 की है, उसका पार्ट 3, जिसमें हम साथियों पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ही करेंगे। आइए, शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला टॉपिक जो हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया का क्या है और क्यों रहा न्यूज़ में, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, हुआ क्या कि रिसेंटली ये पता लगा कि जो कंज्यूमर कमीशन के अंदर पेंडेंसी है वो कम होती दिख रही है। कितनी? 2022 के दिसंबर तक ये 5.55 लाख हुआ करती थी, लेकिन ये अब घट के 5.45 लाख हो गई है सितंबर 2023 में। अच्छा, तो ये क्या हुआ भाई? आगे बताइए मैम कि कंज्यूमर कौन होता है। देखिए, एक एक्ट है ये 2019 का, और ये एक्ट का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट के तहत कंज्यूमर को वो इंसान कहा गया है जो गुड्स खरीदता है या कोई सर्विस को अवेल करता है फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर एनी स्कीम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। सीधी बात है कि एक इंसान ने पैसा दिया और ये कहा कि हमें ये जो है सामान मैं खरीद रहा हूँ आपसे, या कोई सर्विस किसी व्यक्ति ने किसी से ली। अब ऐसा भी हो सकता है पूरा पैसा पे कर लिया हो, है ना, कि जितना कहा था, या कहा हो कि हम अभी दे देंगे, बाद अभी बाद में दे देंगे, मतलब कुल मिला के वो सामान ले रहा है, कोई सर्विस अवेल कर रहा है, ठीक है ना। चाहे वो ऑनलाइन खरीद रहा हो और चाहे वो ऑफलाइन खरीद रहा हो, इसका मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रांजेक्शन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के माध्यम से ले रहा हो, या फिर टेलीफोनिक शॉपिंग हो रही हो, कि आपने वो देखा है ना नाप तोल वाला, टूंग 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 डायल करें इतने 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 नंबर को और पाएँ तुरंत ही अपना ऑर्डर, हाँ। तो ऐसे टेली शॉपिंग करी हो, या डायरेक्ट सेलिंग करी हो, या मल्टी लेवल मार्केटिंग करी हो, किसी भी तरह से अगर खरीदा गया सामान है तो वो उसके अंदर आएगा। हालांकि कोई भी इंसान जो गुड्स को लेता है या सर्विस को अवेल करता है फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस, ये फिर कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। और ये CPA 2019 के इस एक्ट से बाहर है। मतलब समझिए कि अगर आपने अपने खुद के लिए सामान लिया या कोई सर्विस अवेल करी तब तो आप कंज्यूमर हैं, लेकिन अगर आपने ये सामान लिया और सर्विस ली आगे किसी को बेचने के लिए, तो वो आगे जिसको बेचेंगे वो कंज्यूमर होगा, आपको यहाँ पे कंज्यूमर के तौर पे नहीं गिना जाएगा, ठीक है ना बात। अब आप कहेंगे कि ठीक, समझ में तो आ गया मैम, आप तो हैं ही अच्छी। फिर बात आती है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या दिए गए हैं इस एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ये कहा गया है कि राइट टू बी इन्फॉर्म, कंज्यूमर को हर चीज़ प्रोडक्ट को लेके बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। राइट टू बी हर्ड, कि अगर उसको कोई समस्या है तो उसकी सुनी भी जाए। तीसरा, द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को किसी चीज़ को, उसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके पूरी जानकारी, पूरी ट्रेनिंग या पूरी हर चीज़ पता होना उसका हक है। राइट टू सेफ्टी, कि ऐसा ना हो कोई ऐसी चीज़ किसी कंज्यूमर को बेच दी जा रही जिससे उसकी पर्सनल लाइफ या उसका बैंक बैलेंस या कुछ भी डिस्ट्रॉय होता हो, तो राइट टू सेफ्टी उसका हक है। राइट टू चूज़, उसके पास पूरा हक है, वो जो चाहे वो चीज़ को चूज़ करेगा। और राइट टू रिड्रेस, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना, कि मतलब समझ रहे हैं, कोई दुख दर्द है, पीड़ा है, तो वो किसी से यहाँ पर अपनी कह सकता है। तो राइट टू रिड्रेस हमने समझ लिया। अब इसके बदले में आप कहेंगे कि मैम कंज्यूमर को तो काफ़ी कुछ जो है सेफ गार्ड्स मिल रखे हैं, हम लोग तो फालतू में जो है वो डर के आ जाते हैं। लेकिन कंज्यूमर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देखिए किस तरह की, पहला तो यही समझ लीजिए कि कंज्यूमर्स अपने जो राइट्स हैं उनका पूरा उपयोग करें। बहुत सारे कंज्यूमर्स बेकूफ़ बन के आ जाते हैं और वो कुछ नहीं करते। अगर आप दुकानदार को इस चीज़ के लिए डरा दोगे ना तो आप सबसे ज़्यादा सुप्रीम हो। कॉशन कंज्यूमर। तीसरा, कि फाइलिंग कंप्लेंट्स ऑफ जेन्युइन ग्रीवियंसेस, एक बात समझिएगा कि ध्यान रखें कि जो भी आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है तभी आप कंप्लेन फाइल करें। ऐसा नहीं किसी को फंसाने के लिए बदला लेने के कर दें, ठीक है। इंसिस्ट ऑन बिल, आप बिल ज़रूर लें हर चीज़ का, हर चीज़ का बिल लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कॉन्शियस कंज्यूमर, डू नॉट बाय ब्लाइंडली, अंधे होके ना खरीदें कि भैया हम सब लेते चले जा रहे सामान, ले देखो प्रोडक्ट को, समझो, जानो प्रोस कौन, समझो तब खरीदो,
ठीक है ना। उसके बाद एडवर्टीजमेंट में ना आ जाए, एडवर्टीजमेंट में तो लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट ले लो, उसके अंदर तुम्हारा प्रोटीन ही प्रोटीन है, खाओगे तो यार एकदम हीरो बन जाओगे, लेकिन उसके डब्बे के पीछे देखो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट से लुभावित ना हो जाए। उसके बाद कंज्यूमर को क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है इसके लिए भी कॉन्शियस रहना ज़रूरी है। उसके साथ साथ फाइलिंग कंप्लेन्स ऑफ जेन्युइन ग्रीवियंसेस, जो कि हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, तो समझ गए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और राइट्स क्या हैं कंज्यूमर के। तो अब बात ये आती है कि भैया आखिरकार क्या ही ज़रूरत पड़ गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंडिया के अंदर। हाँ, कौन सी ऐसी मुसीबत चली आ रही थी? देखो, पहली बात तो है इसका इन्फॉर्म चॉइस। देखिए हो क्या रहा है ना, आज के टाइम पे डुप्लीकेट डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इंडिया की मार्केट के अंदर बहुत आ गए हैं, और अपने इस माध्यम से सीपीए ने ये सोचा कि भैया हम इंफॉर्मेशन को और लोगों तक पहुंचाएं प्रोडक्ट्स को लेके। दूसरा, मैल प्रैक्टिसेस को प्रॉपर देखना। देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसे कि ये ब्लैक मार्केटिंग होती है, कालाबाजारी होती है, होर्डिंग होती है, कि भाई क्या करते हैं लोग, भाई अपने पास यहाँ पे सामान रख लेंगे, सोचेंगे कि जब दाम बढ़ जाएगा तब हम बेचेंगे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा सकता है अगर जो है वो ये एक्ट के माध्यम से और कंज्यूमर को जानकारी देने के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, मानिए कुछ ड्रग के मैन्युफैक्चरर हैं, वो बहुत हाई प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। ड्रग का मतलब समझते हैं, मेडिसिन के तौर पे इसको लिया गया है, कि जो भी ज़रूरी मेडिसिन्स हैं अब उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो उस पर क्या कर रहे हैं कि उस पर और हौंक हौंक के प्रॉफिट अपना लगा लगा के बेच रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बेचारा कंज्यूमर तो बर्बाद हो जाएगा ना। साथ में कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने पेटेंट राइट्स का बहुत गंदा यूज़ करती हैं कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने में, तो उसके लिए ज़रूरी है ये। इसके साथ साथ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, देखिए बहुत सारे बिजनेस जानबूझ के कस्टमर्स को जो है ना वो भड़का के गलत राह दिखाते हैं, किस तरीके से अपने एडवर्टीजमेंट को एक गलत तरह से या बहुत लुभावी शो करके। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कंज्यूमर को पूरी जानकारी, उसके छुपे हुए ड्रॉबैक्स के बारे में नहीं पता चलता, और वो क्या करता है कि उस लुभावना में आके वो उस चीज़ पे जो है वो उसे परचेज कर लेता है। इसलिए कंज्यूमर का राइट टू नो जो दिया गया है इस एक्ट के अंदर, ये वायलेट होता है जब ये खरीद रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को। उसके बाद ग्रीवियंस रिडक्शन। देखो, एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि अगर कंज्यूमर को कोई दिक्कत है, वो अपनी कंप्लेन कराना चाहता है केसेस को लेके, जैसे कि मिलावटी प्रोडक्ट मान लो उसको मिल गया, कोई भी दिक्कत है, तो भैया इससे क्या हो कि ये उसे हक प्रदान किया जाए, और उसके साथ साथ जो बिजनेस है जिसने ये हरकत करी है वो इसके लिए अकाउंटेबल भी हो। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक और जो है सहयोग करता है कि अलग अलग तरह की जो इफेक्टिव मार्केट्स हैं फॉर बिजनेस के लिए, वो और ग्रो करें। तो इसमें क्या होगा, कंज्यूमर की डिमांड और बढ़ेगी, और उस डिमांड के बढ़ने से एक बढ़िया इनोवेशन लोग ये बिजनेस लेकर आएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये अपने प्राइजेस मेंटेन रखेंगे, क्योंकि कंज्यूमर को सब कुछ पता ही है, अच्छी क्वालिटी रखेंगे, अच्छी सर्विसेज देंगे, तो समाज अच्छा होगा। अब क्या कदम उठाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर इंडिया के अंदर? साथियों, 2019 में सीपीए जो एक्ट आया, इसने कहा कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये लेकर आया, जो सारे मैटर्स को देखेगी, अगर कोई वायलेशन होता है राइट ऑफ कंज्यूमर का, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह वगैरह। दूसरी बात कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन रूल्स 2021 के जो हैं, वो इसलिए हैं कि वो सिंपल, जल्दी से, इनएक्सपेंसिव, मतलब सस्ते तरीके से दुख दर्द जो कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स का है उसे ख़त्म करें। और ये जो सीपीए 2019 का एक्ट है, इसमें लिखा है कि एक थ्री टीयर क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म हो, जो एक नेशनल लेवल पे हो, दूसरा स्टेट लेवल पे हो, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। तीसरी बात कि कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट, ये कहता है कंप्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ कंज्यूमर फोरा इन द कंट्री, इसे इंप्लीमेंट किया गया था इन द बैकड्रॉप ऑफ सीपीए 1986 में। इसका एम ये था कि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन बढ़िया करेंगे, एक्सेसिबिलिटी कि लोग पहुंच सकें इन चीज़ों तक, और स्पीड जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की है उसे बढ़िया करेंगे, ताकि जो है एंड सेट करेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, मतलब जो आजकल कहते हैं ना आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में पूरे ही इंडिया के अंदर। इसके साथ इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस
एड्रेस मैकेनिज्म पोर्टल, इसको डेवलप किया गया था अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। किस लिए? ताकि अवेयरनेस को और पैदा करें, मतलब लोगों तक जो है वो जानकारी जनहित में पहुंचाई जा सके, एडवाइस कर सके, रिड्रेसल कर सके, जो भी कंज्यूमर के दुख दर्द है उनको जो है वो सुना जा सके और उनको सॉल्व किया जा सके, और ये एक सेंट्रल एजेंसी के तौर पे काम करे जिससे कंज्यूमर ग्रीवियंसेस जो हैं वो प्रॉपर कहीं पर लॉन्च करे जा सकें। नेक्स्ट है ई दाखिल पोर्टल। ये क्या कहता है कि बिना किसी रुकावट के फटाफट से सस्ते में ये फैसिलिटी दी जाती है कंज्यूमर को पूरे देश के अंदर, ताकि वो आसानी से पहुंच सकें जो भी उनको ज़रूरत है उस कंज्यूमर फोरम तक, और जो भी ज़रूरत है ना, ये जो उनकी नीड टू ट्रैवल है, फिज़िकली प्रेजेंट होना, ये सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि बहुत दूर दूर से आना बड़ी मुश्किल हो जाता है ना, सब कुछ ऑनलाइन हो जाए तो बढ़िया है। और लास्ट में है सर्टिफिकेशन मार्कर्स, ताकि प्रोटेक्ट कर सकें और सेंसिटाइज कर सकें कंज्यूमर को रिगार्डिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेके, क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। ठीक है, अब अलग अलग सर्टिफिकेशन हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि सर्टिफिकेशन का मार्क लगता है, अभी आप देखते हो ना कि सोने में कौन सा हॉलमार्क लग रहा है, तो सर्टिफिकेशन का मार्क लगता है कमर्शियल प्रोडक्ट में, और यूजुअली इसको बोलते हैं मार्क ऑफ वैलिडिटी या अश्योरेंस ऑफ द फैक्ट, है ना, इस बात का पूरी तरीके से पुख्ता मजबूत होना कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने इस प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया है और इस बात का उसने पता लगा लिया है कि ये जो है जो क्वालिटी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखा गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हम लोग BIS कहते हैं, जो आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO स्टैंडर्ड के तहत, वो सारे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन को और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन को इंडिया के अंदर देखती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे आप समझेंगे कि किस तरीके से गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर मैंने बताया था हॉलमार्क लगता है, ये BIS का हॉलमार्क लगता है, ये करता जाता है, इशू करता है BIS गोल्ड ज्वेलरी के लिए। ISI आप देखते हैं, ये भी BIS इशू करता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, किचन अप्लाइंसेस वगैरह के लिए, आप देखते हैं ISI का मार्क लगा है। उसके बाद एग मार्क लगता है, किसके लिए लगता है, ये इशू करता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, किस पे, एग्रीकल्चर कमोडिटीज और लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक, उसके बाद लगता है वूल मार्क, जो बताता है कि 100% प्योर वूल है ये दोस्तों। फिर लगता है इको मार्क, जिसे BIS इशू करता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए। फिर लगता है FPO, ये मार्क इशू करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI करता है फूड प्रोडक्ट्स के लिए। और फिर आता है इंडिया ऑर्गेनिक, जो कि इशू कराया जाता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ऑर्गेनिकली जो फार्म्ड फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस जुड़े हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से लेके इंडिया के अंदर। तो देखो, केसेस बहुत पेंडिंग हैं। ठीक है, अब इतना हालांकि डिक्रीजिंग ट्रेंड हमने देखा केसेस में, कुछ पेंडेंसी में अभी हमने देखा कमी मिली, लेकिन इतने थोड़ी ना मिली, है ना, जो पेंडिंग केसेस स्टेट और नेशनल लेवल पर हैं बहुत हैं। तो इतने लंबे वक्त तक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए रुकना पड़ता है, ये क्या बताएं, इतनी भारी भड़कम जनता के होते, इतनी कम वैकेंसी का होना, तो भैया क्या ही बताएं। ठीक है ना, दूसरा, वैकेंसीज इन इंस्टीट्यूशंस, देखिए यहाँ पे कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैन पावर की, कंज्यूमर फोरम्स में, एग्जाम्पल पुणे के अंदर, दिल्ली वगैरह के अंदर, जिससे क्या होता है कि ना कि कंज्यूमर की कंप्लेन को जो है वो एड्रेस करा ही नहीं जा पाता। तीसरा, कि क्लैरिटी की कमी है विज़ रोल्स एंड पावर्स में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कमी है क्लैरिटी की रिगार्डिंग सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के रोल को लेके, जो भी रिलेटेड है इन्वेस्टिगेशन को लेके और ये इंक्वायरी वगैरह को लेके, सर्च और सीजर फंक्शन को लेके, साथ में जो स्कोप है CCPA पार का इन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट रिकॉल या जो पेनाल्टी लगती है मैन्युफैक्चरर पे, ये भी अनक्लियर है, सही से सामने से नहीं है कि करना क्या है क्या नहीं। फिर बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ की, तो भैया जो रियलाइजेशन ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि इस बात को ध्यान रखना कि प्रोटेक्शन उनके खुद के लिए है, और साथ में डेवलपमेंट ये करना है कि भैया एक जागरूक जनता हो, जागरूक जो है वो कंज्यूमर हो, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके। हालांकि इस CPA के अंदर कोई भी ऐसी कंज्यूमर ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सक्लूसिवली नहीं डाला गया है। तो आगे समझते हैं वे फॉरवर्ड में बात क्या है, कि जैसे एडवर्टीजमेंट हो गए, तो सरकार क्या करे कि मैन्युफैक्चरर के साथ मिल जुल के, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले जुले और डेवलप करे एक एडवर्टाइजिंग कोड्स को, स्टैंडर्ड को, जो प्रॉपर रेगुलेट करे इन्फॉर्मेशन को, जो
एडवर्टीजमेंट के अंदर प्रोवाइड करी जाती हैं। दूसरा, सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो नेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन फॉर प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी वो देखे, है ना, रेगुलरली देखा करे, ताकि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो इंश्योर कराए कि भैया कन्फर्मिटी हो इसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो है वो चीज़ें प्रॉपर अच्छी अच्छी ही प्रोड्यूस हों। अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस इसलिए कि जनहित में सब कुछ, जनता जागरूक बने इसलिए कि भैया इससे सेफ रहेंगे, है ना, कंज्यूमर का इंटरेस्ट अब उनके एजुकेशन, मोबिलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। इसमें सरकार एनजीओज के साथ मिलके टाइम टू टाइम पे नॉलेज जो भी कंज्यूमर की प्रॉब्लम को लेके है उसे सामने दर्शाए, लीगल रिपोर्टिंग, रिड्रेसल मेजर्स और एक अवेयरनेस कैंपेन वगैरह को भी ऑर्गेनाइज करे, जैसे जागो ग्राहक जागो करा था अभी तक हमारे जमानों पर है। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो CCPS के रोल्स ये है कि इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना, सर्च एंड सीजर ऑपरेशन करना, ये क्लियरली दिखाता है इन मैटर्स को, जैसे कि प्रोडक्ट रिकॉल, अपील वगैरह। इसके बाद इनलिस्टिंग ड्यूटीज़, रेगुलेशंस पूरी तरह से मेंशन करते हैं कंज्यूमर की ड्यूटीज़ को, जो गाइड करते हैं इस बात के लिए कि ये बात की प्रॉपर पुख्ता चीज़ें हों, एक रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन इकोसिस्टम बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, जमैकन गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है राइट्स को और ड्यूटीज़ को भी कंज्यूमर के, और इन सब को उन्होंने वहाँ पे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रॉपर पब्लिश भी कर रखा है। तो ये हमने बात करी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और उसकी चीज़ों को लेकर, और पेंडेंसी केसेस क्या वजह थी और कहाँ तक हम पहुँचे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में। न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझिए। रिसेंटली ये रिपोर्ट करा गया कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है नियरली 40% लैंड का क्लेम जो कि आता है अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 क्या है थोड़ा समझते हैं, हर बार के करंट अफेयर्स में एक बार तो आप इसको समझ ही लेते होंगे अगर आप कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। इस एक्ट के आने से पहले, पहले के जो एक्ट थे ना उनका अच्छा रिलेशन नहीं बनता था मिलजुल के चलने वाला इन शेड्यूल ट्राइब के साथ में, वो जो फॉरेस्ट में रहती हैं, क्योंकि और उनका डिपेंडेंस भी है फॉरेस्ट पे, तो इनको जो है लेके एक बढ़िया तालमेल नहीं बन पा रहा था। इस एक्ट के अंदर बढ़िया रहा सब कुछ, तो इसका सेक्शन नंबर 3 पार्ट 1 और अंडर सेक्शन ए जो कहता है FRA का, वो ये कहता है कि राइट जो है फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के और दूसरे जो भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके, वो ये हैं कि वो रह सकते हैं फॉरेस्ट की लैंड को, होल्ड कर सकते हैं अपने रहने के लिए, और उसके अलावा सेल्फ कल्टीवेशन के लिए, अपने जीवन कार्य को पूरा करने के लिए, मतलब कल्टीवेशन अपनी लाइवलीहुड के लिए वहाँ पे कर सकते हैं सेल्फ कल्टीवेशन। दूसरा, किस तरह के राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं सेक्शन नंबर 3 के अंदर FRA एक्ट में। तो पहला तो आ गया इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, मतलब कि जो व्यक्ति है वो फॉरेस्ट की लैंड होल्ड कर सकता है, रह सकता है, या आपस में मिलके कॉमन ऑक्यूपेशन के लिए उसको यूज़ कर सकता है, जो कि किस लिए होगा, फॉर सेल्फ कल्टीवेशन, फॉर लाइवलीहुड, ठीक है, अपने खाने पीने के लिए हो गया, अपनी जीवन व्यापन करने के लिए। दूसरा कहता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, इसमें क्या है, इंडिविजुअल वाले बता दिए, कम्युनिटी में ये है कि रिस्टोर करता है सारे भी जो कस्टमरी और ट्रेडिशनल राइट्स थे, ठीक है ना, और जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के, वो सारे के सारे वापस यहाँ पे मिल जाते हैं जो पुराने एक्टों के द्वारा अगर छीने गए हों। तो इससे क्या होगा, ये होगा विद इन द ट्रेडिशनल एंड कस्टमरी बाउंड्रीज, जो भी विलेज की हैं, विलेज इतना है तो उसके अंदर जितनी भी है वो सब उस कम्युनिटी के अंदर प्रॉपर आएगा, चाहे जिसकी ओनरशिप हो, क्लासिफिकेशन हो, साइज़ हो फॉरेस्ट का, तो प्रॉपर जो भी बाउंड्रीज है उसके अंदर जो भी मामला है उन कम्युनिटी के हिसाब से दिया जाएगा। और कम्युनिटी के फॉरेस्ट रिजोर्स मैनेजमेंट राइट्स ये हैं कि राइट है ओनरशिप का, एक्सेस है कि आप कलेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। तो ये पहले तो कलेक्ट करे जाते थे विद इन एंड आउटसाइड विलेज बाउंड्रीज से भी, लेकिन अभी क्या है ये अंदर ही प्रॉपर। अच्छा, तीसरी बात ये है कि भाई नोडल एजेंसी एक्ट के हिसाब से जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है और UT एडमिनिस्ट्रेशन की है, मतलब यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन की है। उसके बाद रोल ग्राम सभा का क्या है, देखिए ग्राम सभा जो है वो अथॉरिटी ऐसी रहेगी जो इस प्रोसेस की शुरुआत करेगी, वो ही पता लगाएगी नेचर क्या है, एक्सटेंड क्या है किसी इंडिविजुअल का या कम्युनिटी का, फॉरेस्ट के राइट्स क्या मिलेंगे या जो भी चीज़ें हैं उन सबको लेके, ठीक है, क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे ये सब चीज़ें
वो ये बताएगी। उसके बाद लैंड टाइटल्स की बात करें तो एक्ट ये कहता है कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं या फैमिली के राइट हैं या कम्युनिटी के राइट हैं लैंड को लेके, हालांकि क्लेम जो है वो 4 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड पे नहीं किया जा सकता। उसके अलावा लैंड टाइटल दिया जाएगा अंडर द FRA, ये एक लीगल टाइटल होगा। लैंड राइट्स जो हैं वो जो एक्ट के द्वारा दिए गए हैं वो हेरिटेबल हैं, ठीक है, सेक्शन नंबर 4 पार्ट 4 FRA का कहता है, बट ट्रांसफरेबल या एलिनेबल नहीं है। मतलब अगर आप हैं, आपके पास ही ज़मीन है, तो आपके पुत्र या आगे जनरेशन में तो मिल जाएंगे, लेकिन आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो और ना ही जो है कोई आके आपसे जो है खरीद खरीद सकता है। लास्ट में डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर लोकल डेवलपमेंट राइट्स, मतलब स्कूल्स आप डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल या आंगनबाड़ी सेंटर्स वगैरह बना सकते हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ समझिएगा कि डोंगरा कोंद आदिवासी जो FRA का यूज़ करते थे 2013 में अपने जो पवित्र उनकी ज़मीन थी नियमगरी फॉरेस्ट में उड़ीसा के, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड ये रिजेक्ट करते थे वेदांता के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट को, इन्होंने काफ़ी रिजेक्ट भी किया था उस समय। पहले उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2013 का केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि ग्राम सभा जो वो रीजन की है वो डिसाइड करेगी इस प्रोजेक्ट को लेके, कि भैया हम जो है ये प्रोजेक्ट वहाँ पे होना चाहिए या ये प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे कुछ एक्ट जो है ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं क्या है। तो इस एक्ट के माध्यम से अभी आपने इसकी तारीफ़ें जो सुनी हैं तो उससे आपको क्या लगता है, यही कि इसने एक लीगल राइट दिया लैंड के क्लेम को लेके FDSTs और OTFDs को। ये इनका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ या आपकी फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को लेके। अच्छा, राइट मिला टू डिस्प्लेस कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी राइट्स मिले या राइट्स मिले ओवर कॉमन प्रॉपर्टी को लेके, रिसोर्सेज रिकग्नाइज्ड, इसके अलावा राइट्स ओवर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, फिर राइट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज जो भी रिलेट थी बायोडाइवर्सिटी या कल्चर डाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो इस राइट इससे काफ़ी कुछ मदद मिली इस एक्ट के आने के बाद। अब 3-tier अप्रूवल प्रोसेस क्या रहा इसको समझते हैं साथियों। इसमें ग्राम सभा जो है वो प्राइमरीली अथॉरिटी होती है जो पूरे प्रोसेस की शुरुआत करती है, क्लेम को पहले रिसीव करती है और फिर वेरीफाई करने का काम इसका होता है। फिर एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है रेजोल्यूशन से इस ग्राम सभा के, और ये पिटीशन को फाइल करता है सब डिवीजन लेवल कमेटी पे, और कोई भी इंसान जो अग्रीव्ड है बाय अ डिसीजन ऑफ SDLC दैट इज सब डिवीजन लेवल कमेटी के द्वारा, ये पिटीशन को फाइल कर सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में भी। डिसीजन जो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का होगा ऑन रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, ये फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। इसके अलावा शेड्यूल एरियाज इस एक्ट के अंदर ये हुए जो कि रिफ़र करते हैं टू एन आर्टिकल जो हमारा 244 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी वही जो है यहाँ पे भी शेड्यूल एरियाज की डेफिनेशन सेम है। प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो FRA अवेलेबल है नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में और टाइगर रिजर्व में। कंसर्न क्या है, दिक्कत रिलेटेड क्या है इस एक्ट को लेकर, तो सबसे पहली बात तो लैंड क्लेम रिलेटेड, मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ। भैया बहुत सारे IFR जो क्लेम, मतलब IFR के तहत जो क्लेम्स करते हैं कि ये मेरी लैंड है, वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं ऐसे क्लेम। क्यों? क्योंकि एप्लीकेंट्स के पास कोई प्रूफ ही नहीं होता डॉक्यूमेंट का कि भैया हम ये है हमारी ज़मीनी ज़मीन के पेपर की हमने ये हमारी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन 2 पार्ट C जो है FRA का वो ये कहता है कि अगर आपको FDSTs के तहत आना है तो आप एक शेड्यूल ट्राइब हो उस एरिया के अंदर जहाँ पर राइट को आप क्लेम कर रहे हो, दूसरा कि आप वहाँ रहते हो फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट लैंड पहले से प्रायर टू 12/2005 के पहले आप रह रहे हो वहाँ पे प्राइमरली रिसाइड करते हो वहाँ पे, तीसरा कि आप उस फॉरेस्ट या फॉरेस्ट की ज़मीन पर डिपेंडेंट हो अपनी बेसिक लेवल की लाइवलीहुड ज़रूरतों के लिए, ठीक है, बेसिक रोज़मर्रा जीवन के लिए। नेक्स्ट बात आती है इनकंसिस्टेंसी इन अक्रीज क्लेम्ड एंड अक्रीज अलोकेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से नर्मदा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है वहाँ पे करीब 70% जो क्लेमेंट है उन्होंने ये रिपोर्ट करा कि जो IFR का क्लेम है वो अप्रूव कर दिया गया फॉर लेसर अक्रीज। अब देखिए, अब आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि नहीं मैम इसमें जो है चीज़ें थोड़ी सी कहीं टफ हो जाती हैं, है ना। तो देखिए सीधी सीधी बात क्या है कि अक्रीज का मतलब समझ लेते हैं, इसमें सब समझ जाएंगे। अक्रीज का मतलब होता है एक ऐसा एरिया लैंड का टिपिकली जब यूज़ करा जाए इस एरिया को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, बट
ये नेसेसरली ऐसा ना हो कि ये मेजर हो एकड़ में, मतलब ऐसे समझो कि 35% इंक्रीज इन द नेट एक्रीज, ऐसे समझे। अभी इसको और इजी तरीके से समझो क्या होता है, एक साइज लैंड एरिया का एकड़ में अगर हम बात करें, एकड़ में, ठीक है, और एक एरिया लैंड का जिसे आप मेजर कर सकते हो एकड़ में, एकड़ में वो मेजर किया जा सकता है, या फिर एक प्लॉट लैंड का जो करीब एक एकड़ हुआ, ठीक। एक ऐसा, इसको और समझो, एक ऐसा एरिया लैंड का जिसे एक स्पेसिफिक पर्पस के यूज़ कर रहे हैं, या फार्मिंग के लिए या बिल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एकरेज का मतलब आप एकड़ भी ले सकते हो, इसके अलावा सरफेस भी ले सकते हो, या जैसे मैंने बताया वो सब भी जो है फार्मिंग है उसके लिए भी ले सकते हो। तो समझे क्या है कि इनकंसिस्टेंसी ना एकरेज क्लेम्ड एंड एकरेज अलोकेटेड, ठीक है ना, कि मतलब उन्होंने जो क्लेम किया, सपोज करो इसको यहाँ जो जिस टर्म में लिया गया है वो इस टर्म में लिया गया है कि मान लो हमने कहा कि हमारी इतना एकड़ लैंड है और हमको उसके लेकिन कम एकड़ प्रदान करी गई, क्लेम हमने ज़्यादा की, हमें मिली, अप्रूव करी गई कम, ठीक। अब अवेयरनेस की कमी होना, तो ग्राम सभा जो शुरुआत करती है वेरिफिकेशन को FDSTs और OTFDs के उसके क्लेम्स को, वो जो है वो लो है अवेयरनेस को लेके, कि किस तरीके से, भैया उन्हीं को जानकारी नहीं है कि किस तरीके से सब कुछ हमें ऐसे मैटर्स को डील करना है, ठीक है। तो एक एनालिसिस था FRA की इम्प्लीमेंटेशन को लेके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो कि किया गया था सितंबर 2021 में और से मई 2023 तक, वो ये दिखाता है कि करीब 92.57% तो रिजेक्टेड क्लेम्स है ना, उन्हें तो डिक्लाइन करा गया है सिर्फ ग्राम सभा के द्वारा ही। साथ में जो लोकल हैं वो बेचारे अनपढ़ हैं, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के दूर दराज के एरिया में रहते हैं, और FDSTs और OTFDs जो है वो जानते नहीं क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या है सही क्लेम को फाइल करने का, और ये लोग जब फाइल करने पहुंचते हैं लोग, तो ये लोग खुद ही मना कर देते हैं। कुछ और दिक्कतें भी हैं इस एक्ट की, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट, जिसमें ग्राम सभा का मिसयूज होता है अप्रूवल करने के लिए इन एलिजिबल क्लेमेंट्स को, और रेगुलाइज करते रहते हैं ये इंक्रोचमेंट को जो करी गई है 13/12/2005 के बाद, है ना, ये कट ऑफ डेट है ना, ये तो कह रहे हैं इसके पहले आप रहते हो यहाँ पे या क्या करते हो, कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 13/12/2005। तो जब एप्लीकेंट को रिजेक्शन मिल जाता है तो एप्लीकेंट एक अपील फाइल कर सकते हैं, करते हैं, और केस पहुंच जाता है, सालों तक फंसा रहता है, ठीक है, इसी में अटका रहता है। उसके बाद वायलेशंस क्या है FRA प्रोविजन की, पहले क्या है, क्या हुआ था कि जो पुराने वाले टाइटल्स थे वो रैंडमली इशू कर दिए जाते हैं JFM कमेटी या पंचायत के नाम पे। फॉर एग्जांपल CFR टाइटल का यूज होता था 10 साल, मतलब ये CFR जो टाइटल था ना वो इशू करा गया था, सॉरी 10 साल नहीं, 10 गांव को दियोरी तालुक में गोंडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर। वो दिखाता है कि जो DLC है, ये कमेटी जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाली, इसने टाइटल्स को इशू करा है इन द नेम ऑफ पंचायत, ना कि ग्राम सभा। अब कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो एक्ट के हिसाब से SLC DLC, जिनके बारे में ऊपर अभी हमने आपको बताया इन कमेटीज़ के बारे में, और स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, इनके अंदर ऑफिसर्स होने चाहिए थे कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से हों, फॉरेस्ट से हों, ट्राइबल अफेयर्स से हों, स्टेट गवर्नमेंट के। हालांकि हम देखते हैं कि भैया कोऑर्डिनेशन है ही नहीं आपस में, कोई तालमेल है ही नहीं इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और लास्ट में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की छीछा लेदर डिस्ट्रक्शन करना, इन्वायरमेंटल कंजर्वेटिविस्ट जो है ना वो, मतलब जो जो इन्वायरमेंट को जो है सेव करते हैं, ये व्यक्ति टाइम टू टाइम पे अपने दुख जताते हैं कि जो FRA एक्ट है अपने लैंड राइट्स की वजह से और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज़ की वजह से ये बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सकता है जो कि जंगल की होती है। कई सारे केसेस में ट्रीज़ वगैरह फॉरेस्ट लैंड के इनको तो चॉप 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 कर देते हैं और क्लेम्स कर देते हैं अंडर द FRA। तो ये बात है, चलो वे फॉरवर्ड में बात करते हैं चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है साथियों। तो भैया सबसे पहली बात कि आप डायरेक्टिव स्टेट्स को इशू कर सकते हो इस FRA एक्ट के तहत, आप स्टेट इशू करें डायरेक्टिव को उन स्टेट्स को, ताकि प्रॉपर लॉ के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं उस हिसाब से देखा जाए। और जैसे कि भाई अगर बहुत हाई रिजेक्शन हो रहा है क्लेम का तो उसको देखें क्यों हो रहा है। दूसरा कि स्टेट गवर्नमेंट से कुछ सीखें, उड़ीसा की सरकार का जो मो जंगल जमी योजना थी ना, उसमें स्कीम को इम्प्लीमेंट जो किया गया था, इससे ओनरशिप लैंड की तो मिल ही रही थी, साथ में फॉरेस्ट रिसोर्सेज का भी एक्सेस मिल रहा था बेनिफिशरीज़ को। उसके बाद अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ग्राम सभा के बीच में, फॉरेस्ट राइट्स कमेटीज़ के बीच में, ठीक है ना। तो इन सब में अवेयरनेस
बताई जाए जिससे रूल्स और रेगुलेशन जो भी अप्रूव करे जाएं उनके बारे में उनको जानकारी हो। कैपेसिटी बिल्डिंग ग्राम सभा की, देखिए ग्राम सभा ये प्राइमरी अथॉरिटी है अप्रूव करने के लिए। ज़रूरत ये है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और अच्छी खासा यूज़ यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का लोकल हो। और दूसरी बात है ये कि मार्जिनल सेक्शन जैसे कि औरतें हो गई, इन सब का रोल, सिविल सोसाइटी का रोल वगैरह वगैरह, इन लोगों का रोल बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर हम कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट को साथियों कर लेते हैं इसी के अंदर, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। साथियों अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर UAPA 1967, ये बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को एक अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत डाल दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। UAPA को लाया गया था ताकि कुछ जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं किसी इंडिविजुअल की या एसोसिएशन की, उसे यहाँ पे रोका जा सके फॉर डीलिंग विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या ऐसे मैटर्स जो टेररिज्म से रिलेटेड हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि ये जो ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, मतलब बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। पेनल्टी की बात करें तो डेथ या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, करी दी जा सकती है सज़ा, एंड साथ में फ़ाइन भी लगाया जा सकता है अगर, है ना, यहाँ पे बंदा गिल्टी पाया जाता है। और अगर मान लीजिए इसकी वजह से किसी पर्सन की डेथ हो गई, तब तो फिर समझ लीजिए आपको सजाए मौत या फिर आजीवन कारावास मिल सकता है। अनलॉफुल एसोसिएशन क्या होती हैं? देखिए डिक्लेरेशन एसोसिएशन का अनलॉफुल तब होता है जब सेंटर अपने ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बात को कहे। और रेफरेंस टू ट्रिब्यूनल क्या है कि जैसे ही अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया तो नोटिफिकेशन वो रिफ़र करी जाएगी एक ट्रिब्यूनल को 30 दिनों के भीतर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ट्रिब्यूनल के अंदर एक इंसान होगा जो कि जज होगा हाई कोर्ट का। दूसरी पावर सेंटर को ये भी है कि आप जो है रोक के आप जो फंड्स हैं अनलॉफुल एसोसिएशन को लेके उन पे यहाँ पे प्रोहिबिशन लगाइए, टू प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ फंड्स ऑफ एन, मतलब जो अनलॉफुल, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, अनलॉफुल एसोसिएशन जो है उसके जो भी फंड्स हैं उसको सीज कर दीजिए आप, ठीक है, वो अपना पैसा ना यूज़ कर पाए। उन जगहों को नोटिफाई करिए जिन्हें यूज़ करा गया है इस पर्टिकुलर अनलॉफुल एसोसिएशन के द्वारा, जो जो जगहों का यूज़ करा गया है उसे नोटिफाई करिए। और अब एक टेररिस्ट एक्ट के बारे में बताऊँ तो डेफिनेशन के तौर पर टेररिस्ट एक्ट कोई ऐसा काम होता है जिसका उद्देश्य ये होता है कि हम खतरा पहुंचाएंगे किसी भी तरह से यूनिटी, ठीक है, एकता में, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या सोवरेनिटी को लेके हमारे भारत की, या कोई डर पहुंचाना है या कोई जो है डर पैदा करना है लोगों में इंडिया के या किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर अमंग अदर्स। समझ लीजिए ये सब कुछ आ गया हमारा टेररिस्ट एक्ट। और जो फॉरफीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द डेसिग्नेटेड अथॉरिटी, ठीक है, प्रायर अप्रूवल इसमें लगता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, तो जो है उसमें जो है प्रॉपर अप्रूवल लेने के बाद डेसिग्नेटेड अथॉरिटी से यहाँ पे काम करता है वो, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ले लेगा जो भी प्रॉपर जो टेररिज्म करा जा रहा है उसके रिलेटेड जो भी पकड़ा गया, तो समझो भैया बैंडी है बजनी क्या ही कन्फ्यूजन है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज़ FIR का। बात क्या है कि 202nd रिपोर्ट का टाइटल था अमेंडमेंट इन सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 फॉर इनेबलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। इसे 22nd लॉ कमीशन टू दी ने यहाँ पे सबमिट किया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। और सेक्शन नंबर 154 जो था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, वो ये कहता है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को, फर्स्ट इंफॉर्मेशन को अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसे किस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। रिकमेंडेशन ये रही थी कि EFIR जो है उसे हम फ्रेज वाई मैनर में इनेबल करेंगे, कि EFIR का रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाएगी सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, मतलब जहाँ पे बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, जहाँ पे अक्यूज्ड जाना समझा नहीं है, उसे जानते नहीं हैं हम, एंड वे द अक्यूज्ड इज़ नॉट नोन, और अट्रैक्टिंग पनिशमेंट, कम से कम इसमें 3 साल की पनिशमेंट हो जहाँ पे
जो अक्यूज नोन है, ठीक है ना। तो दूसरी बात कि स्टेट्स हैव अ पावर टू एक्सपैंड द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, एक स्टेट के पास ये पावर है कि ये सारे के सारे जुर्मों की लिस्ट को और बढ़ा सकती है। प्राइवेसी दी जाए पार्टीज़ को, इस बात को पक्का करा जाए, वेरिफिकेशन हो इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंटेंट का, और पनिशमेंट अगर तब दी जाएगी अगर आपने गलत फॉल्स कंप्लेंट को फाइल किया है। ई कंप्लेन अलाउ करी जाए सारे ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। कंप्लेन का मतलब हो गया कि कोई भी इल्ज़ाम अगर मान लीजिए मुँह से लगाया जा रहा है या लिखित में दिया जा रहा है मैजिस्ट्रेट को कि भैया विद द व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, है ना, इस उम्मीद से कि भैया आपको इसके तहत यहाँ पे जो है कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग को जो है इंपॉर्टेंस दी जाए और हर जगह की कैपेसिटी बिल्ड को करा जाए। इंपॉर्टेंस ये है कि सिटीजन्स जो है अब रिपोर्ट कर सकते हैं अपने अपने यहाँ के हुए हुए क्राइम्स को बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से। कंप्लेनेंट्स जो हैं अब वो टाइमली स्टेटस देख सकते हैं कंप्लेन का प्रॉपर ऑनलाइन, इससे मदद मिलेगी। सारे ही जो भी फुटफॉल होता है पुलिस स्टेशन में भना भन लोग जाते हैं उससे जो है वो छुटकारा पाने में। इसके अलावा जो अब नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज़ है वो ये है कि सेंटर क्लेम्स आधार एज द मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल आईडी इन द वर्ल्ड। सेंटर ने बात क्लेम करी है कि आधार जो है वो सबसे ज़्यादा विश्वासजनक आईडी है पूरे ही विश्व में। तो भैया देखो बात क्या है, सेंटर ने बात तो क्लेम कर दिया, बढ़िया, फुल प्रूफ। आधार क्या होता है, आधार एक 12 डिजिट का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशू करती है। जो डेटा कलेक्ट करा जाता है ये प्रॉपर सिक्योर है सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी के अंदर UIDAI की। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें आधार के तो ये यूनिक है, मतलब आप बायोमेट्रिक आपका डुप्लीकेट तो नहीं होगा, तो इसलिए एक बंदा सेम जो है वो इन्फॉर्मेशन से कई कार्ड नहीं बना सकता। दूसरा रैंडम नंबर, जो नंबर जनरेट करा जाता है वो रैंडम है, कोई भी नंबर मिल सकता है, कोई भी इसमें डिटेल आपकी कास्ट की क्लास की रिलीजन इनकम की देखने को नहीं मिलती। आर्किटेक्चर ये ओपन है, स्केलेबल है। करंट ऑथेंटिकेशन सर्विस जो है वो 100 मिलियन ऑथेंटिकेशंस को एक दिन में हैंडल कर सकती है, तो इस तरीके का बढ़िया आर्किटेक्चर है। क्या कदम उठाए गए हैं आधार की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, तो UIDAI ठीक है, बीच में बड़ा आधार के डेटा को लेकर बात चल रही थी, तो UIDAI ने एक टू लेयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म लेकर आई है आधार बेस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन को लेकर, ताकि आधार को सिक्योर रखा जा सके। उसके साथ ही पार्लियामेंट ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बढ़िया तेजी वाले प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी लेकर आई है लॉ के अंदर, जो गवर्न करते हैं आधार सिस्टम को अपने रोबस्ट अरेंजमेंट से। जैसे कि सेक्शन नंबर 32 पार्ट 3 जो आधार एक्ट 2016 का है वो रोक लगाता है UIDAI को कि आप कंट्रोल कलेक्ट या मेंटेन नहीं कर सकते किसी भी इंफॉर्मेशन को जो इंफॉर्मेशन का यूज करा जाता हो ऑथेंटिकेशन के लिए। कि मान लीजिए हम जो है कहते हैं कि आधार कार्ड में हम अंगूठा लगा के आप बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट करिए कि आप ही हैं, तो ऐसी किस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होगी उसे आप बदलाव नहीं ला सकते, इवन UIDAI को ही रोक लगाता है। दूसरी बात, जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो सर्टिफाइड होने चाहिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी स्टैंडर्ड से, ताकि इनको कहीं चेप ना लिया जाए, समझे ना। तो 2013 जो है फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ISO 27701 2019 फॉर प्राइवेसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ताकि सिस्टम जो है वो कहीं सिस्टम ही ना आपने जो है वो अपना अंगूठा लगाया और सिस्टम ने फिर जो है आपके अंगूठे को चुराया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट यूसेज कहाँ कहाँ होता है आधार का समझते हैं। आधार यूसेज DBT में, ठीक, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए सरकारी कोई है वो कहता है कि भैया पैसा इतना इतना हुआ तो आपके अकाउंट में सीधा आ जाएगा। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में, जैम में, जनधन आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी है ना जैम, और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में, PM किसान सम्मान निधि में, कोविन में, फेस ऑथेंटिकेशन में, तो कई जगहों पर जो है आधार का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट 1995 का। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पे नोटिफाइड करे हैं कुछ बदलाव को केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 में। ये प्रोवाइड करता है ऑपरेशनल मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपके क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफ द डीक्रिमिनलाइज प्रोविजंस ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के। उद्देश्य क्या है,
कि हम चाहते हैं कि केबल टेलीविजन जो नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है 1995 का, वो और ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली बने और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उसमें और बढ़े, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और अच्छे से हो सके। इस एक्ट के सेक्शंस को बार बार रीएग्जामिन करा गया है और साथ में डीक्रिमिनलाइज भी करा गया है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 के तहत। अच्छा, जो इम्प्रिजमेंट की प्रोविजन थी अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है। पहले तो कहा कि जेल हो जाएगी, अब इसको रिप्लेस करके कुछ आप पे मनी को लेके पेनाल्टी लगाई गई है, और दूसरे कुछ नॉन मॉनेटरी मेजर्स जैसे कि एडवाइजरी या वार्निंग वगैरह भी दी जा सकती हैं। और लास्ट में इस शॉर्ट न्यूज़ के जो हम बात करेंगे वो सरना कोड की बात करेंगे। तो झारखंड की सरकार ये देख रही है रिकॉग्निशन ऑफ सरना रिलीजियस कोड फॉर ट्राइबल्स को। अब सरना फॉलोवर्स कौन है? ये एक नेचर वर्शिपर होते हैं, पूजा करते हैं प्रकृति की, जो खुद को हिंदू नहीं मानते एंड ये लड़ते चले आ रहे हैं एक अपनी सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी को, ना दसियों सालों से चाहते हैं कि इन्हें मिल जाए। अभी तक सेंसस जो भी सर्वे हुए हैं इनको अभी तक इंक्लूड करा गया है आज तक हर सर्वे के अंदर अदर्स के तौर पर रिलीजन कॉलम के अंदर। सरना फेथ को जो मानते हैं वो मूर्ति पूजा आइडल वर्शिप नहीं करते, ना ही ये वर्ण सिस्टम को मानते हैं, ना ही ये कोई हेवन और हेल होता है ना कि जन्नत और जो है पाताल, या ऐसे कह लो कि वही चीज़ ना कि स्वर्ग और पाताल है ना, या जन्नत या जहन्नुम, ये सब नहीं मानते ये। तो होली ग्रेन ऑफ सरना फेथ ये जल है, मतलब वाटर, जंगल है दैट इज़ फॉरेस्ट, और जमीन है दैट इज़ लैंड, जल जंगल जमीन। एंड इसकी जो फॉलोवर्स हैं वो पूजा करते हैं पेड़ों की और हिल्स की। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हमारा सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वाले में हम करेंगे वो करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इफ़ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।